बाकी वाले भी कमेंट कर दे जितने स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं। आज मैं जो सीरीज़ थी आपकी 500 MCQ वाली टॉप वाली सीरीज़, तो जो जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जब मान लीजिए आपने कोई फ्यूचर में किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो ये जो 500 MCQ मैं आपको करवा रहा हूँ, ये बार बार आपको बैंक में आए हुए हैं, बार बार JKSSB के अंदर, SBI बैंक के अंदर, IBPS बैंक के अंदर, बैंक PO के MCQ हैं। तो ये वाले जो MCQ है वही मैं आपको करवा रहा हूँ, इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा अगर आप किसी भी जॉब के लिए अगर प्रिपेयर करते हो फ्यूचर में। तो ये 20 मार्क्स आपका कंप्यूटर होता है, तो इसमें से आपके 15 MCQ इसमें से आपके आ जाएंगे, क्योंकि ये सभी MCQ इस प्रकार के बनाए हुए हैं जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज़, बाकी वाले भी कमेंट कर दे जितने भी स्टूडेंट हैं, और इस प्रकार की वीडियो को शेयर कर दिया करो, आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर शेयर कर दिया करो, क्योंकि जो और भी बच्चे होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं उनको भी बेनिफिट मिल जाता है। और ये जो सीरीज़ है इस वीडियो को अगर आप 2 बार देख लेते हो ना, तो आपको PDF पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको इतनी जल्दी बनाया हुआ है मैंने, तो 1 घंटे के अंदर आपके काफ़ी सारे MCQ तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले हम पावर पॉइंट का स्टार्ट करेंगे। MS अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो वी वीडियो देख लें, उसके अंदर हमने MS वर्ड के क्लियर कर दिए थे आपके। अब पावर पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो पहला मल्टीपल है पावर पॉइंट का, विच कमांड ब्रिंग्स यू टू द फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन। जब फर्स्ट स्लाइड की बात आ जाए या बिगनिंग की बात आ जाए, तो आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस होम होगा। अगर यहाँ पे कहा जाए एंड स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन, तो कंट्रोल प्लस एंड होगा, मतलब एंड होगा तो कंट्रोल एंड होगा, और अगर बिगनिंग होगा या फर्स्ट स्लाइड होगा तो कंट्रोल प्लस होम इसका आंसर है। नेक्स्ट चल रहे हैं, हाइपर लिंक की शॉर्टकट की बतानी है। ये वर्ड आप देख सकते हैं, हाइपर लिंक की शॉर्टकट की यहाँ पे पूछी गई है, कंट्रोल प्लस के हाइपर लिंक हमारा होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल है किसी भी एग्ज़ाम में, ये बार बार आ चुका है, मतलब देख सकते हैं आप। टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ अ प्रेजेंटेशन, अगर पावर पॉइंट में आपको स्लाइड शो करनी है, स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए हम क्या प्रेस करते हैं, F5 बटन प्रेस करते हैं, जा रखना। ये वाला भी कर लें, PNG की फुल फॉर्म क्या होती है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट एप्लीकेशन, फाइल एक्सटेंशन का मल्टीपल आपको मैक्सिमम चांसेस है देखने को मिल जाता है। पावर पॉइंट की जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो होती है आपकी PPT। PPT क्या होती है, फाइल एक्सटेंशन होती है पावर पॉइंट की। डॉक्यूमेंट किसकी होती है, डॉक्यूमेंट होती है MS वर्ड की, और XLS होती है आपकी MS एक्सेल की, जा रखना है। तो एक्सेल की XLS होती है, डॉक्यूमेंट की क्या होती है, MS वर्ड होती है, और इसका आंसर क्या है, बी पार्ट है, क्योंकि पूछी हुई है पावर पॉइंट की, तो तीनों की जा रखनी है। नेक्स्ट मल्टीपल पे चल रहे हैं, डैश की इज यूज्ड फॉर हेल्प इन पावर पॉइंट। देखिए, कभी भी आपको कंप्यूटर में अगर पावर पॉइंट में हेल्प लेनी है, चाहे हेल्प आपको कंप्यूटर में लेनी है, चाहे MS वर्ड में लेनी है, चाहे एक्सेल में लेनी है, तो आपको F1 बटन प्रेस करना पड़ेगा, जा रखें। व्हाट इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट के अंदर क्या होती है, पावर पॉइंट के अंदर क्या होती हैं, स्लाइड होती हैं, जा रखें। पेज आपके MS वर्ड के अंदर होती हैं, शीट आपके एक्सेल के अंदर होती हैं, और पावर पॉइंट के अंदर आपकी स्लाइड होती हैं। तो नेक्स्ट वाले मल्टीपल पे जा रहे हैं, ये वो वाले मल्टीपल है जो बार बार एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, तो सारे नहीं करवा रहा हूँ, देख सकते हैं आप कितने सारे मल्टीपल है जो मैंने यहाँ पे छोड़ दिए हैं, तो उन मल्टीपल को करवा रहा हूँ जो ज़्यादातर आपको बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम के अंदर। डैश इज़ अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम आप किसके अंदर प्रेजेंटेशन देते हो, पावर पॉइंट के अंदर, MS पावर पॉइंट, विच इज़ नॉट द वैलिड एडिशन ऑफ MS पावर पॉइंट। तो आप 2007 चलाते थे, 3 भी चलाते थे, तो 10 भी आया था, लेकिन 1920 वाला नहीं है, तो नॉट वैलिड वर्जन पूछा हुआ है, तो ये आपका डी पार्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला मल्टीपल, प्रेस डैश टू डिलीट 1 करेक्टर टू द राइट, राइट से डिलीट करना होगा तो आपको क्या प्रेस करना पड़ता है, तो आपको डिलीट बटन प्रेस करना पड़ता है। अगर यहाँ पे लेफ्ट पूछा जाए कि अगर 1 करेक्टर लेफ्ट से डिलीट करना हो तो क्या आएगा इसका आंसर, तो आएगा बैक स्पेस, लेकिन राइट पूछा हुआ है तो इसका आंसर डिलीट होगा, जा रखें।
तो बैकस्पेस किसके लिए करते हैं हम यूज, लेफ्ट करेक्टर डिलीट करना हो, वन करेक्टर डिलीट करना हो लेफ्ट से, याद रखना है। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल ये वाला है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल है, एन एप्लीकेशन सूट। मिनिमम जूम साइज इन एम एस पावर पॉइंट, मिनिमम जूम साइज आपका पावर पॉइंट एक्सेल एम एस वर्ड के अंदर हमेशा जा रखें 10 ही होता है, सभी के अंदर 10 होता है। लेकिन मैक्सिमम जूम साइज इन एम एस पावर पॉइंट आपका कितना होता है, 400% होता है। ये आपका पावर पॉइंट के अंदर होता है और आपका किसके अंदर होता है, एक्सेल के अंदर सेम ही रहता है, ठीक है, याद रखना है। लेकिन जो आपका एम एस वर्ड है उसके अंदर कितना होता है, एम एस वर्ड के अंदर जो आपका मैक्सिमम साइज होता है जैसे मैंने आपको बताया था वो आपका 500 हो जाता है। तो मिनिमम सबके अंदर सेम है लेकिन मैक्सिमम चेंज है। तो नेक्स्ट मल्टीपल पे चल रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है, प्रेस डैश टू एंड अ प्रेजेंटेशन। क्या प्रेस करते हैं हम, एस्केप प्रेस करते हैं। एस्केप बटन प्रेस करने से क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, जो प्रेजेंटेशन होती है वो हमारी एंड हो जाती है, ये भी आपने याद रखना है। तो ये हमारे देख सकते हैं 45-50 के करीब मैंने आपको करवा दी, लेकिन थोड़े से मल्टीपल करवाए इसमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केएसएसबी में पूछा गया था, ओएसआई स्टैंड्स फॉर, ओएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको बताना है। तो ओपन सोर्स इनिशिएटिव इसकी फुल फॉर्म है, याद रखना है ओपन सोर्स इनिशिएटिव। द टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर चिप दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी चिप होती है, एक आपकी माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है। तो डी पार्ट इसका आंसर है, बोथ बी एंड सी। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मेन फ्रेम एंड अ सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के बीच में क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस वो बताना है। तो मैं आपको बता दूं, सुपर कंप्यूटर आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम एज फास्ट एज पॉसिबल, जितना फास्ट हो सकता है सुपर कंप्यूटर इतना ही फास्ट काम करता है। लेकिन जो मेन फ्रेम होता है यूजेज इट्स पावर टू एग्जीक्यूट एज मैनी प्रोग्राम, वो मैनी प्रोग्राम पे फोकस करता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर जो फोकस करता है फ्यू प्रोग्राम पे, कम से कम प्रोग्राम पे फोकस करता है। ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार बैंक में भी आया हुआ है, तो ये आपने जा रखना है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन होता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी, ये वाले जो ऐसे मल्टीपल आते हैं ना बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते तो आंसर गलत लगा देते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यहाँ पे पूछा हुआ है मेन मेमोरी की दो टाइप्स बतानी है, मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी की जब दो टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती है, रैम एंड रोम, ठीक है। लेकिन अगर मेमोरी की टाइप से पूछी जाए तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी होगा, लेकिन मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की टाइप रैम एंड रोम होता है, याद रखें। एंड नेक्स्ट वाले मल्टीपल पे चल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है आईसी। आईसी किस जनरेशन में यूज किए थे, आईसी किए थे थर्ड जनरेशन के अंदर यूज। आईसी इन्वेंट किसने किए थे, आईसी को इन्वेंट किया था जैक किल्वी ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखें, जैक किल्वी ने आईसी को इन्वेंट किया। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर का सिंपल सा मतलब है एनालॉग, एनालॉग प्लस डिजिटल, ठीक है। जो एनालॉग भी होते हैं डिजिटल भी होते हैं वो आपके हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, रिसेम्बल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजेज 8-bit कोड कॉल्ड ABCD, ABCD की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, तो याद रखना है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर था। द ALU ऑफ ए कंप्यूटर रिस्पॉन्स टू द कमांड कमिंग फ्रॉम, जितनी भी कमांड्स होती हैं जो CPU के अंदर वो कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल सेक्शन, तो ये आपको याद रखना है कंट्रोल सेक्शन। कंप्यूटर वायरस इज सिंपली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है, सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस आर कोड, याद रखना है। टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी, जब भी ये वाला आपको मिल जाए ना, प्रोड्यूस हाई क्वालिटी और साथ में लगा हो ग्राफिक्स, तो आंसर हमेशा याद रखना प्लॉटर होगा, ग्राफिक्स लगा होना चाहिए और हाई क्वालिटी की बात हो तो आपको आंसर डायरेक्ट लगा देना प्लॉटर, याद रखना हाई क्वालिटी प्लस ग्राफिक्स होना चाहिए। अ डंप टर्मिनल, डंप टर्मिनल क्या होते हैं, जो प्रोसेसिंग खुद प्रोसेसिंग नहीं करते, मतलब प्रोसेसिंग नहीं कर पाते। अ डंप टर्मिनल हैज अ कीबोर्ड एंड स्क्रीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो नेक्स्ट वाले मल्टीपल पे चल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर कौन से आईसी यूज हुए थे, बोथ ए एंड बी, तो याद रखना है इसका आंसर डी पार्ट है।
नेक्स्ट वाले पे चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था? ए बी सी, अटानास ऑफ एंड वेरी कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म क्या है? अटानास ऑफ एंड वेरी कंप्यूटर। तो ए बी सी क्या था? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर था, याद रखें। व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय, देखिए पूछ लिया गया, अटानास ऑफ एंड क्लिफोर्ड ने कौन सा कंप्यूटर किया था? अटानास ऑफ एंड वेरी कंप्यूटर की इसकी फुल फॉर्म है ए बी सी की, तो याद रखना है। इसका यहाँ पे एंड क्लिफोर्ड लिखा हुआ है, बैरी भी है इसके साथ, क्लिफोर्ड बैरी इसका पूरा नाम है, एंड ये याद रखना है ए बी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेज कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा किसके अंदर स्टोर कर सकते हैं हम? हार्ड डिस्क के अंदर। अगर यहाँ पे पूछा होता है स्मॉल, सबसे स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा किसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, तो आंसर होगा आपका फ्लॉपी डिस्क, याद रखें। इसके अंदर हम स्मॉल स्टोरेज कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क। एंड नेक्स्ट वाले मल्टीपल पे चल रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है ईप्रोम। ईप्रोम स्टैंड्स फॉर, ईप्रोम की क्या फुल फॉर्म होती है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म सबको पता है रीड ओनली मेमोरी, लेकिन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ए पार्ट आंसर। नेक्स्ट मल्टीपल पे चल रहे हैं, ये एग्जाम के अंदर बड़ी बार पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कौन सा इसमें से नहीं है, मतलब आउटपुट के बारे में बताना है, नॉट एन इनपुट पूछा हुआ है, तो क्या क्या है? यही आंसर इसका, कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रो फिल्म, सी ओ एम, शॉर्ट फॉर्म में सी ओ एम लिखा होता है, ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है सी ओ एम की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रो फिल्म। एंड यहाँ पे नेक्स्ट वाला, हु इज द फाउंडर ऑफ पी डी एफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसकी फुल फॉर्म है, और इसका जो फाउंडर था, मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है पी डी एफ के अगर बात की जाए उसमें से, चैप्टर में से, जॉन वारनॉक, याद रखना है। ये वाले मल्टीपल ना मेरे स्टूडेंट, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, गलत करते हैं। कैसे? रिकॉर्डिंग वीडियो, सिर्फ वीडियो देखते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसकी फुल फॉर्म है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और सर ने पढ़ाया हुआ है जहाँ डिस्प्ले दिख जाए ना वहाँ आउटपुट होता है, लेकिन आगे वाली लाइन नहीं पढ़ते, विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट, कि इसमें से स्टेटमेंट तो सभी दी गई है लेकिन मोर सबसे ज़्यादा करेक्ट कौन सी है? तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट फुल फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे इनपुट आउटपुट नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा करेक्ट कौन सी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आउटपुट कभी नहीं लगाना, जहाँ रखना पूरा मल्टीपल पढ़ना देन आंसर करना। तो यहाँ पे जो मोस्ट करेक्ट इसका आंसर, मोर करेक्ट आंसर बनता है, इट इज़ अ पेरिफेरियल डिवाइस। पेरिफेरियल डिवाइस इनपुट भी हो सकते हैं, आउटपुट भी हो सकते हैं, जो हम बाहर से अटैच करते हैं कंप्यूटर के सीपीयू के साथ, जो कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को इनहेंस करता है, ऐसे जा रखें। एंड ईप्रोम कैन बी यूज फॉर, ईप्रोम किसके लिए यूज होती है? इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट्स ऑफ रोम। सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर क्या क्या करता है? इनहेंस द कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर ऑफ हार्डवेयर मशीन। सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? कैपेबिलिटी को इनहेंस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कुड बी स्टोर डैश ऑफ डेटा। तो कितना होता है? 1.44 MB, जा रखना है। तो इसका साइज मैंने आपको बताया भी था, 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क थी उसका साइज था, 1.44 MB डाटा स्टोरेज करती है। अब यहाँ पे पूछा हुआ है, फिर से देख सकते हैं, जब ऐसे प्रकार मल्टीपल पूछ लिए जाते हैं, बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स, बेस्ट क्वालिटी प्रिंट ग्राफिक्स, ग्राफिक्स लग जाए बेस्ट क्वालिटी तो प्लॉटर आंसर होगा। एंड इसके बाद बात करते हैं एनिक यूजेस, तो एनिक में क्या यूज हुए थे आपके, ये आपको बताना है जल्दी से, अगर किसी को पता है कमेंट कर सकता है। तो इसमें आपके डेसिमल नंबरिंग सिस्टम यूज हुआ था, क्योंकि बड़े सारे बच्चे बाइनरी नंबर सिस्टम लगा देते हैं। एंड यहाँ पे नेक्स्ट वाला मल्टीपल है जो, अबेकस वाज द फर्स्ट, अबेकस क्या था? एक अबेकस क्या था? अबेकस आपका मैकेनिकल कैलकुलेटर था, जा रखना, मैकेनिकल कैलकुलेटर था, कंप्यूटर नहीं था, मैकेनिकल था, हाथ से चलता है, कैलकुलेटर है। इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी कोड्स, बी पार्ट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है, अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंटीग्रेटेड टूगेदर इज कॉल्ड रजिस्टर। और सबसे स्पीड जो होती है मेमोरी कौन सी होती है? वो रजिस्टर होता है। व्हाट इज द टर्म फॉर द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन व्हाइल वर्किंग ऑन इंटरनेट, तो कौन सा रूल एंड रेगुलेशन होता है आपका? प्रोटोकॉल, जा रखना है, सी पार्ट आंसर। एंड नेक्स्ट मल्टीपल पे जा रहे हैं, विच इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स,
तो मैन्युफैक्चरिंग चिप्स के लिए कौन क्या यूज़ किया जाता है, सेमीकंडक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है ये वाला, और सॉफ्टवेयर दैट कैन फ्रीली एक्सेस्ड एंड मोडिफाई, जिसको हम फ्री में चला सकते हैं और उसमें मोडिफाई भी कर सकते हैं, उसको हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। OSS लिखा होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जा रखें। तो सभी वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ना ग्रुप में शेयर कर दें, जितने भी स्टूडेंट हैं वीडियो को लाइक कर दें और अपने जो भी ग्रुप हैं व्हाट्सएप पे उसमें शेयर कर दें। मैनोमैनिक इज ए मेमोरी ट्रिक इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो जो आपकी मैनोमैनिक एक मेमोरी ट्रिक थी वो किस लैंग्वेज के अंदर यूज हुई थी, वो आपकी असेंबली लैंग्वेज के अंदर यूज हुई थी। और असेंबली लैंग्वेज किस जनरेशन में यूज हुई थी, सेकेंड जनरेशन में यूज हुई थी, और मशीन लैंग्वेज आपकी फर्स्ट जनरेशन में यूज हुई थी, याद रखना है हमेशा। नेक्स्ट चल रहे हैं, फायरवॉल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। फायरवॉल क्या प्रोटेक्ट क्या करते हैं, अनऑथोराइज्ड एक्सेस, जा रखना है। फाइनली नेक्स्ट मल्टीपल पे चल रहे हैं, व्हाट इज ए बग, मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बग क्या होता है, जब भी ये वाला वर्ड दिख जाए ना, एरर इन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, तो इसका आंसर होगा बग। बग इज एन एरर इन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जा रखना है, ये बार बार पेपर में आया हुआ है। एंड बात करें यहाँ पे, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वर डेवलप्ड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो किस जनरेशन में डेवलप्ड हुआ था, थर्ड जनरेशन में। कैथोड रे ट्यूब इज ए फॉर्म ऑफ, ये कल भी मैंने आपको करवाया था, रिपीट हो चुका है, तो इसकी किसकी फॉर्म है, मॉनिटर की। वेबकैम क्या है, इनपुट जूनिट डिवाइस है, वेबकैम डिजिटल कैमरा इनपुट जूनिट डिवाइस होती है, जा रखें। नेक्स्ट मल्टीपल पे चल रहे हैं, फाइनली यहाँ पे ये वाला भी कल रिपीट हुआ था, परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसकी एग्जाम्पल है, परम सुपर कंप्यूटर की, ये इंपॉर्टेंट है, जा रखें। प्राइमरी प्रॉपरली अरेंज डेटा इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। और कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, एक कंप्यूटर होता है, उसके अंदर CPU के अंदर CU कंट्रोल यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, बड़ा कुछ होता है। तो ये सारे आंसर ऑल ऑफ अबव, जा रखना। वाई आर वैक्यूम ट्यूब्स आल्सो कॉल्ड वाल्व्स, फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या यूज हुई थी, वैक्यूम ट्यूब्स, इसको वाल्व्स क्यों बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है, अभी तक जितने भी एग्जाम है 4-5 बार आ चुका है। क्यों हुआ था, इसको वाल्व्स इसलिए बोला जाता है, बिकॉज दे कैन स्टॉप आर एलो द फ्लो ऑफ करंट, बिकॉज दे कैन स्टॉप आर एलो द फ्लो ऑफ करंट, जा रखना है। तो ये आपको जा रखना है। एंड फाइनली नेक्स्ट वाले पे चल रहे हैं, एंड उसके बाद बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टोरेज मीडियम। प्राइमरी स्टोरेज मीडियम के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक ड्रम। देखिए ये दोनों थी सेकेंडरी की एग्जाम्पल, अगर आपने पढ़ा था सेकेंडरी, जो मैंने आपको पढ़ाया था, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती थी हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। तो ये प्राइमरी पूछा हुआ है, तो मैग्नेटिक ड्रम, जा रखना है। टू आर मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर्म, किसके रूप में हो सकती है, सर्वर। तो नेक्स्ट वाले मल्टीपल पे चल रहे हैं, तो यहां पे बात करते हैं, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल, ये SSC में पूछा हुआ है, जो GDE के एग्जाम होते हैं उसमें पूछा हुआ है, दो बार पूछा हुआ है। यहां पे बताना है आपको, चूज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग साइज ऑफ एक्सटेंशन, मतलब सबसे पहले बड़ा होना चाहिए, उसके बाद छोटा होना चाहिए, उसके बाद उसके छोटा होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ पे आता है बी पार्ट आंसर है, तो यहाँ पे ये आता है, सेकंड में ये आता है, थर्ड में ये, फोर्थ में ये, तो ये आपका सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा ये होता है, उससे छोटा ये होता है, और उससे छोटा ये होता है। फुल फॉर्म सबको बता होना चाहिए, वैन की फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क, मैन की फुल फॉर्म है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, और इसकी फुल फॉर्म पैन की होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क या प्राइवेट एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे चलते हैं, बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट्स, बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। एक बिट किसके बराबर होती है, वन बिट किसके बराबर होती है, पढ़ाया था मैंने आपको, वन बिट जीरो आर वन, और जीरो और वन क्या होते हैं, बाइनरी डिजिट, जा रखना है। नेक्स्ट मल्टीपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है ये वाला, ये भी आपको बैंक में दो बार पूछा गया, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा था। द बेसिक डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। तो मेमोरी क्या होता है, मेमोरी वर्ड लिया टेम्परेरी, और स्टोरेज जो होती है वो होती है परमानेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा, टेम्परेरी
परमानेंट ए पार्ट। नेक्स्ट मल्टीपल पे चल रहे हैं, द होम पेज ऑफ वेबसाइट, उसको क्या बोलते हैं, होम पेज जो वेबसाइट का होता है उसको हम, वो क्या होता है, फर्स्ट पेज होता है। एंड नेक्स्ट मल्टीपल पे चल रहे हैं, काफ़ी सारे मल्टीपल देख सकते हैं हो गए हैं, और मैं कम से कम करवा रहा हूँ, मैं 500 से भी कम करवा रहा हूँ स्टूडेंट को, ताकि मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है वो करवा रहा हूँ, जो बार बार आते हैं कंप्यूटर के, यही मल्टीपल आपको एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ ए कंपाइलर, कंपाइलर क्या होता है, अ कंपाइलर कन्वर्ट होल ऑफ अ हायर लेवल प्रोग्राम कोड इनटू मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज के अंदर, मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, लेकिन होल प्रोग्राम को, ये याद रखना, ये वर्ड याद रखना, होल, ठीक है। तो कंपाइलर जो लाइन बाई लाइन करता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर, याद रखना, फर्स्ट वाला जो है लाइन बाई लाइन इंटरप्रेटर होता है, यहाँ पे कंपाइलर पूछा हुआ है, तो बी पार्ट इसका आंसर है। डैश कंप्यूटर आर ऑल्सो कॉल्ड एज पर्सनल कंप्यूटर, तो पर्सनल कंप्यूटर के बारे में बताना है, तो पर्सनल कंप्यूटर बताओ कौन से, जो हम कंप्यूटर चलाते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो आपके आते हैं माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में। पर्सनल कंप्यूटर जो आपके लैपटॉप है, पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर डेस्कटॉप है, वो सारे किस में आएंगे, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आएंगे, याद रखना, सी पार्ट इसका आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है। नेक्स्ट चल रहे हैं, तो ये वाला जो मल्टीपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, मतलब आउटपुट होगा वो, तो क्या आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर दिया न्यू सब्सक्राइबर ने, प्लॉटर। एंड यहाँ पे नेक्स्ट मल्टीपल की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मशीन इंडिपेंडेंस प्रोग्राम, तो जो मशीन इंडिपेंडेंस प्रोग्राम होते हैं वो आपके क्या होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, जा रखना है, इंडिपेंडेंस, डिपेंडेंस नहीं, इंडिपेंडेंस प्रोग्राम, तो जा रखना है हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे नेक्स्ट मल्टीपल की बात करें, हाँ ये जो एक है ये आपकी सेकंड जनरेशन में यूज़ हुई थी, फॉर्ट्रन, जो फार्मूला ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मोर सूटेबल फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशन, जा रखना है साइंटिफिक एप्लीकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल आगे जो पूछ लिए गए, एनालॉग कंप्यूटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सिस, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सिस, तो याद रखना है। एंड एफटीपी की फुल फॉर्म, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, याद रखना है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच प्रिंटर इज वेरी कॉमनली यूज फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग, देखिए जो हम ज़्यादातर प्रिंटर यूज़ करते हैं, तो जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए, ये आपके लेज़र प्रिंटर होते हैं, और हाई स्पीड सबसे लेज़र प्रिंटर की ज़्यादा होती है, अगर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की बात करें उसमें से, और हाई क्वालिटी का प्रिंट भी यही करता है, और इसकी जो स्पीड मेज़र की जाती है वो की जाती है पेज पर मिनट के अंदर, स्पीड मेज़र, क्वालिटी जो मेज़र होती है सभी प्रिंटर की आपकी डॉट पर इंच में होती है, लेकिन जो स्पीड मेज़र होती है वो पेज पर मिनट के अंदर होती है, PPM, पेज पर मिनट, याद रखना है। सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू, अगर आप ईमेल करते हो तो किसके जैसा लगता है, वो इसके जैसा लगता है, राइटिंग अ लेटर, तो जा रखना है, बिल्कुल राइट आंसर दिया न्यू सब्सक्राइबर। मोस्ट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर, ज़्यादातर फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर थे। फ्लॉपी डिस्क टिपिकल इन डायमीटर, देखिए फ्लॉपी डिस्क जो होते थे उनके तीन साइज थे, एक 3 इंच का होता था, एक 5.25 इंच का था, एक 8 इंच का था। 3 इंच के अंदर आपका 1.44 MB डेटा स्टोरेज होता है, 2.25 के अंदर आपका 1.2 MB डेटा स्टोरेज होता है, और 8 इंच के अंदर जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसके अंदर डेटा स्टोरेज होता है आपका, जैसे मैंने आपको बताया था 80 KB से लेके 242 KB तक। तो ये बातें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है, ऑल ऑफ अबव इसका आंसर है, ये तीनों याद कर लें, इसमें से एक पक्का आएगा आपको, तो याद रखना है, पक्का आता है एग्जाम के अंदर, टिपिकल इन डायमीटर फ्लॉपी डिस्क, और स्मॉल जो डाटा हम स्टोर कर सकते हैं वो भी फ्लॉपी डिस्क की है, क्योंकि आप देख सकते हैं 80 KB टू 242 KB के अंदर। ये आपको SSC में 2 बार पूछा गया, 3 बार GD के जो एग्ज़ाम है उसके अंदर पूछा हुआ है। URL की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है, बड़ी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, तो सुमित वर्मा ने राइट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट मल्टीपल पे चल रहे हैं, ऑन अ PC हाउ मच मेमरी इज अवेलेबल टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो कितनी मेमरी चाहिए, तो जा रखना 640 KB, इसका सी पार्ट आंसर है।
हु इन्वेंटेड आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, किसने इन्वेंट किया था? जैक किल्बी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है, जा रखना, पेपर में आएगा आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स एंड डिबगर्स कम अंडर, देखिए सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका किस में आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, तो जा रखना ये पार्ट इसका आंसर है। एंड बात यहाँ पे करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं है? जो आपका एबीसी है, एटानास ऑफ बैरी कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म है, इन दो बंदों ने बनाया था इसको, एबीसी को, जा रखना है, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर है ये, आपका इलेक्ट्रॉनिक नहीं है ये, जा रखें। एंड विच इज़ द लार्जेस्ट कंप्यूटर, तो इसमें से लार्जेस्ट कंप्यूटर कौन सा होता है? तो मैं यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, साइज लिख रहा हूँ, तो क्योंकि माइक्रो से ऊपर मिनी होता है, मिनी से ऊपर मेन फ्रेम होता है, सबसे बड़ा क्या हुआ? मेन फ्रेम हुआ। अगर सुपर होता तो सुपर होना था, लेकिन सुपर नहीं है यहाँ पे, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर इसका आंसर है। तो यहाँ पे नेक्स्ट मल्टीपल पे चल रहे हैं, ये मल्टीपल भी आपको कल करवा दिया गया था। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? असेंबली लैंग्वेज, जा रखना है, डी पार्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है, व्हाट वाज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब आपकी फर्स्ट जनरेशन में यूज हुई थी, उसको चेंज क्यों करना पड़ा था? क्यों करना पड़ा था? क्योंकि बिकॉज दे प्रोड्यूस हीट ऑफन बर्न आउट, वो क्या करती थी? बड़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, है ना, उसके बाद हमने क्या किया, उसको वैक्यूम ट्यूब को चेंज कर दिया था और ट्रांसिस्टर यूज़ किए थे, तो फाइनली ये आपको पता होगा, दे प्रोड्यूस हीट एंड ऑफन बर्न आउट, तो ये जा रखना है। मेन डिसएडवांटेज पूछा हुआ है, डिसएडवांटेज मेन जो डिसएडवांटेज है यही थी उसकी। हु इन्वेंटेड वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब किसने इन्वेंट किया था? जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने इन्वेंट की थी 1905 में, जा रखना है, 1905 में की थी, जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने वैक्यूम ट्यूब इन्वेंट, जा रखना है। हु सजेस्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, किसने सुजेस्ट किया था? जॉन वन न्यूमन, तो जॉन वन ने लिखा यहाँ पे, जॉन वन न्यूमन। और द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? जॉन वन न्यूमन को कहा जाता है। जो आपका एडसैक कंप्यूटर था वो किसने बनाया था? फर्स्ट नेशन वाला, वो भी जॉन वन ने बनाया था। स्टोरेज कंसेप्ट इसने ही लाया था, इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, तो ये जा रखें। यहाँ पे स्टोरेज की जब बात की जाती है, स्टोरेज वाला कंसेप्ट है, तो जॉन वन न्यूमन। बेसिक आर्किटेक्चर कौन है? जॉन वन न्यूमन। एंड यहाँ पे बात करते हैं, द नोटेबल फीचर लाइक कीबोर्ड, मोनिटर, जीयूआई, ग्राफिकल, जो आपका है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जब डेवलप हुआ था, वो कब हुआ था? वो हुआ था आपका थर्ड जनरेशन में। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप कब हुआ था? थर्ड जनरेशन में। नेक्स्ट मल्टीपल, विच इज द हाइएस्ट फॉर्म, हाइएस्ट फॉर्म कौन सी है इसमें से? नॉलेज, नॉलेज इज द हाइएस्ट फॉर्म। इंक जेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर कौन सी का टाइप में आते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि इम्पैक्ट में आपने 3D जा 3D लिख लेने हैं, जा रखना है, डी वाले जो होते हैं वो इम्पैक्ट के अंदर ही आते हैं, तो वहाँ पे मैक्सिमम केस में आपको मिल जाते हैं ड्रम, डेजी व्हील, एंड आपको बताया था मैंने ड्रम, डेजी व्हील, उसके बाद मैंने आपको कौन सा बताया था? डॉट मैट्रिक्स, जो डॉट मैट्रिक्स है DD से स्टार्ट हो रहे हैं ना सारे, ये आपके इम्पैक्ट है। और एक इसके साथ जा रख लें लाइन प्रिंटर, बाकी सारे आपके जितने भी हैं वो नॉन इम्पैक्ट के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल पूछा हुआ है, व्हाट इज एन इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्या होता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, जो क्या करता है, जो कन्वर्शन तो करता है लेकिन लाइन बाय लाइन करता है एज द प्रोग्राम इज रन, जा रखना है लाइन बाय लाइन, होल प्रोग्राम जो करता है वो आपका कंपाइलर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, इसमें से आपको बताना है इनपुट डिवाइस कौन सा है, जल्दी से कमेंट कर दें, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कौन सा है इसमें से, तो जल्दी से कमेंट कर दें जिसको पता है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से कमेंट करें, क्योंकि मैं अभी ये देखने वाला हूँ कौन सही आंसर देता है इसका, काफ़ी स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, तो ये विधि शर्मा ने कमेंट किया हुआ लेकिन गलत है, क्योंकि इनपुट डिवाइस बताना है, नॉट एन इनपुट नहीं लिखा इन्होंने, बोला इनपुट डिवाइस बताना है, तो विधि शर्मा ने बिल्कुल राइट आंसर किया हुआ है, टच स्क्रीन।
थोड़ा ध्यान से देखें, देखिए टच स्क्रीन है तो इनपुट डिवाइस के अंदर आ जाती है। क्यों? क्योंकि टच आपकी इनपुट होती है, स्क्रीन आपकी आउटपुट होती है। ये इनपुट आउटपुट दोनों हैं और बाकी सारे आउटपुट थे, तो इसका आंसर आपका सी पार्ट ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड साइज ऑफ फ्लॉपी डिस्क। वैलिड साइज कौन सा नहीं है इसमें से? तो आपको पता ही है जो आपका वैलिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड साइज ऑफ फ्लॉपी डिस्क, इसका कमेंट जल्दी से करते हैं जिसको पता है। तो ये आपको पता ही है, ये वाला हमारा वैलिड साइज नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा कि 3.5 इंच का भी होता है और 5.25 इंच वाली भी होती है फ्लॉपी डिस्क और 8 इंच वाली भी होती है। ये वाला नहीं होता है वैलिड साइज। द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, तो ये तो आपको पता ही है, अबेकस। वर्ल्ड लेंथ ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर इज, वर्ल्ड लेंथ ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर इज कितनी होती है, वर्ल्ड लेंथ ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर? तो ये आपको जल्दी से बताना है कमेंट करके। 8 बिट्स जा रखना है। नेक्स्ट मल्टीपल पे चल रहे हैं। ये एक ऐसी पीडीएफ है जिसमें आपको ना मैक्सिमम जितने भी गवर्नमेंट के अंदर एग्जाम हुए हैं उसके अंदर जितने भी मल्टीपल है मैक्सिमम वो वाले डाले गए हैं। विच यूनिट कन्वर्ट्स कंप्यूटर डेटा इन टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, तो ये क्या होता है? आउटपुट होता है, जा रखें। आउटपुट यूनिट से क्या होता है? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, करता है। विच यूनिट कन्वर्ट डेटा को कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, तो क्या होता है? आउटपुट यूनिट, जैसे आपका मॉनिटर है। एंड फाइनली आप एक चीज आ रखें कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे लिखें सीखते रहो और ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, उसके बाद आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड वहाँ पे कर दी जाएगी। जितने भी न्यू सब्सक्राइबर वीडियो देखेंगे तो वो सभी वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। व्हाट प्रोड्यूसेस यूजफुल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ डेटा, तो क्या होता है? प्रोसेसिंग होती है। तो आपको पता है ये कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है? डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। फाइनली उसके बीच में तीन कंसेप्ट होते हैं, इनपुट होती है, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, देन आउटपुट होती है। तो याद रखना है प्रोसेसिंग इसका आंसर है। अ डिजिटल कंप्यूटर डिड नॉट स्कोर, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं जो हम चलाते हैं, डिड नॉट स्कोर ओवर एन एनालॉग कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ, तो क्या होता है? एक्यूरेसी। बाकी डिटेल में वीडियो देखना है तो आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं, ये एक जल्दी से क्विक वीडियो है क्योंकि इसमें मैं एक्सप्लेन इतना ज़्यादा नहीं कर रहा। अ पेपर प्रिंट आउट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, जब एक प्रिंट आउट निकाला जाता है डॉक्यूमेंट के ऊपर तो उसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी बोलते हैं। सॉफ्ट कॉपी कब होती है? जब वो मॉनिटर स्क्रीन के अंदर होती है तब सॉफ्ट कॉपी है, जब प्रिंट निकाल दिया जाए तो हार्ड कॉपी हो जाती है। दो प्रकार की कॉपी हमारे पास होती है। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाज मेड आउट ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो क्या थे? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। एबीसी क्या था? एटानस ऑफ वेरी कंप्यूटर क्या था? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जा रखें, बार बार मैं इसलिए करवा रहा हूं। एंड नेक्स्ट मल्टीपल पे चल रहे हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जब सॉफ्टवेयर जब बनाया जाता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? जब डेवलपमेंट की जाती है तो सिस्टम एनालिसिस किया जाता है सबसे पहले। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज बेस्ड ऑन, सेकेंड जनरेशन में क्या यूज हुए थे? ट्रांसिस्टर यूज हुए थे। फर्स्ट में आपकी क्या हुई थी? वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी। वीडियो कार्ड इज एन, वीडियो कार्ड क्या है? वीडियो कार्ड आपका आउटपुट डिवाइस है, जा रखना है। वीडियो कार्ड क्या है? आउटपुट डिवाइस है। एंड यहां पे बात करें जी, जो मल्टीपल है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लें। IBM 360 इज, तो कौन सा कंप्यूटर? IBM 360 जो कंप्यूटर है वो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है, जा रखना है। अच्छा, यहां पे पूछा गया सिस्टम, जो एक सिस्टम होता है, सिस्टम ए, सिस्टम क्या होता है? तो ये आपको बताना है सिस्टम, इसका मोर करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? एन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट यूनिट सो एज टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव, तो ये आपको जा रखना है। एंड उसके बाद नेक्स्ट वाले पे चल रहा है, तो ये तो पता ही है, बिट स्टैंड्स फॉर, फिर से आ गया बाइनरी डिजिट। कुछ मल्टीपल हैं जो एक दो बार रिपीट हुए हैं, दो तो तीन तीन बार, तो उसको हम चेंज करके पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे फिर से,
द ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड, ये बताना है ट्रांसलेटर प्रोग्राम क्या यूज हुआ था, असेंबलर यूज हुआ था, जा रखना है असेंबलर यूज हुआ था, असेंबली से जा रख सकते हैं असेंबलर, ठीक है। ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड असेंबलर। हाउ मैनी टाइप्स आर ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जा रखना है। एंड यहाँ पे बात करें तो ये गलत कर दिए यहाँ पे, तो द स्पीड ऑफ मॉडम इज मेजर्ड इन, ये आप ठीक कर ले पीडीएफ में, जिनके पास भी पीडीएफ है बच्चों के पास, द स्पीड ऑफ मॉडम किस में मेजर की जाती है, बिट पर सेकंड के अंदर, बीपीएस, जा रखना है। फिर से ये रिपीट हो चुका है, ये आपने पहले कर लिया, इसके अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे बात आ रखनी है, ग्रुप ऑफ डेटा इज नोन एज, जब ग्रुप ऑफ डेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड। जैसे मैंने आपको समझाया था डी आर एफ क्या था, ग्रुप ऑफ डेटा क्या बनेगा, रिकॉर्ड बनेगा, आर से रिकॉर्ड है, और ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड पूछा जाएगा तो क्या बनेगा, फील्ड बनेगा, एंड ग्रुप ऑफ फील्ड या फाइल पूछा जाएगा तो क्या बनेगा, डेटा बेस बनेगा। हाइएस्ट फॉर्म क्या होती है, डेटा बेस होती है, जा रखना है। द टर्म गीगो इज रिलेटेड टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आया हुआ है। गीगो क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जा रखना है, गार्बेज इन और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आउट, तो गार्बेज सेम ही है ना, तो गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है गीगो। तो क्या किसके रिलेटेड टर्म है ये आपकी एक्यूरेसी के रिलेटेड टर्म है, तो जा रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है एक्यूरेसी। यहाँ पे ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड, अभी फिर से पूछ लिया गया, पहले पूछा था ग्रुप ऑफ डेटा तो उसको हमने क्या बोला था, रिकॉर्ड बोला था, डी आर एफ लिखना ना आपने, तो रिकॉर्ड बोला था। अब ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड पूछ लिया है तो आगे वाला लिखना है, एफ क्या होता है, फाइल, ठीक है। नेक्स्ट वाले मल्टीपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है जो मैं आपको करवा रहा हूं, और यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट मल्टीपल। ये जो है सिंबॉलिक लॉजिक वाज डिस्कवर्ड बाय, ये सबको पता होगा जो फिजिक्स पढ़ते हैं उनको तो पता होगा, कंप्यूटर के अंदर भी पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसे भी आपको जा रखना है। तो ये इसका आंसर है जॉर्ज बुली, प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ दीस। यहां पे नेक्स्ट वाला जो अच्छा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हु प्रिपेयर द डिजाइन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर का डिजाइन किसने प्रिपेयर किया था ये बताना है, तो किसने किया था, जॉन वन न्यूमैन ने। क्यों, क्योंकि जो जॉन वन न्यूमैन है वो बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर भी उनको कहा जाता है, और जो स्टोरेज का कंसेप्ट लाया था वो भी जॉन वन न्यूमैन ने लाया था कंप्यूटर के अंदर। तो मॉडर्न कंप्यूटर डिजाइन जो था वो किया था जॉन वन न्यूमैन ने, लेकिन जो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, एलन ट्यूरिंग है, गलत नहीं लगाना, एलन ट्यूरिंग। बड़े सारे बच्चे गलती करते हैं, मैंने यूट्यूब पे भी पोल किया था उसमें भी 80% गलत बता रहे थे। तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, एलन ट्यूरिंग है, लेकिन जो फादर ऑफ कंप्यूटर है वो चार्ल्स बैबेज है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एंड फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग है। इस कंसेप्ट को हमेशा दिमाग में रखना। एन एरर, जब भी एरर दिख जाए ना, तो अब मैंने जैसे आपको बताया था वो क्या होता है, बग होता है, एन एरर इन कंप्यूटर डेटा इज कॉल्ड बग। एंड नेक्स्ट मल्टीपल पे चल रहे हैं, ये जो मल्टीपल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू, तो ये एसएससी में भी बड़ी बार पूछा गया, बिग ब्लू किस कंपनी को बोला जाता है, आईबीएम को बोला जाता है। आईबीएम की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, सबसे पुरानी कंपनी है जो आज तक कंप्यूटर बना रही है, जा रखना, कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है। हु इज द इन्वेंटर ऑफ एबीसी, बोथ ऑफ अबव, जॉन वन एटाना शॉ भी है, तो इसके बाद आपका क्लिफोर्ड वैरी भी है। एंड इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, द कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन फैसिनेशन, तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्यूटर लैंग्वेज, इसमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, मीडियम लेवल लैंग्वेज, ठीक है, जा रखना, लोअर लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज भी होती है, मीडियम लेवल लैंग्वेज नहीं होती है।
तो ये आपको जा रखना, ये देख लीजिए पूछ लिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट। लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है? डाटा बेस फाइल। ये एमएस एक्सेस का मल्टीपल है, तो याद रखें अभी ये बच्चों ने एमएस एक्सेस नहीं किया जो मेरे पास पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली नहीं किया होगा, लेकिन याद रखना है पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट मल्टीपल पे चल रहे हैं, विच स्टेटमेंट इज वैलिड अबाउट मैग्नेटिक टेप। तो इट इज़ अ प्लास्टिक रिबन, इट इज़ अ कोटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ आयरन ऑक्साइड, इट कैन बी रेज एंड री यूज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इसमें से कौन सा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है। तो इसमें से जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है मैं आपको बता दूँ वो कौन सा है, वो आपका है एडसैक। तो हमेशा याद रखना जो भी ई से स्टार्ट होंगे वो आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होंगे। ट्रिक दिमाग में रख सकते हो, जैसे आपका एनिक है, सॉरी यहाँ पे एनिक, जैसे आपका एडसैक है, जैसे आपका एडवैक है, ये सारे कौन से हैं? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। जैसे आपका यूनिवैक है, अब यहाँ पे बैक आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, तो ये सारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ कंप्यूटर। इसमें से कौन सा कंप्यूटर का नाम नहीं है? तो आपको पता ही है जो IBM है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये क्या करती है? कंप्यूटर बनाती है, ये कंप्यूटर का नाम नहीं है। तो यही इसका आंसर है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर मेड बाय इंडियन साइंटिस्ट, तो कौन सा बनाया था? परम, जा रखना है। ये वाला मल्टीपल आपको पेपर में 90% चांस है कि अगर आपको जनरेशन्स वाले जूनट है तो उसमें से ये मल्टीपल पूछा जाता है। हु यूज्ड पंच कार्ड प्रैक्टिकली फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में से मल्टीपल है ये। पंच कार्ड किसने यूज़ किए थे, या इन्वेंटर ऑफ पंच कार्ड भी कह सकते हैं, कौन था? डॉक्टर हरमन हॉलीरथ। तो जा रखना डॉक्टर हरमन हॉलीरथ। और एक न्यू सब्सक्राइबर ने बिल्कुल राइट आंसर किया हुआ है। तो ये आपने चीज़ें जा रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी डन बाई अबेकस। अबेकस क्या नहीं कर सकता? अबेकस आपका एलसीएम नहीं निकाल सकता, जा रखें, क्योंकि ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। एंड फाइनल नेक्स्ट जा रखें, इसमें बाकी जो नेक्स्ट मल्टीपल करना है, मेन स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड है, ये तो मेमोरी है इसका आंसर। तो जा रखना ये जो आया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज पोर्टेबल। अब पोर्टेबल क्या होता है? जिसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं और एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं, तो क्या होंगे वो? लैपटॉप। लैपटॉप को हम आराम से उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। तो इसका आंसर 248 का। तो यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट वाले मल्टीपल की तरफ। ये जो एक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है। द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं वो आपके डिजिटल कंप्यूटर के अंदर आते हैं। तो उसके अंदर जो प्रॉपर डेफिनेशन आपसे पूछी गई है, तो इसका आंसर क्या है? एन इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटेड मशीन दैट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग वर्ड्स एंड नंबर। तो जा रखना है ये ए पार्ट इसका आंसर है। वीडियो को दो बार देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना इस मल्टीपल को। एन इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटेड मशीन दैट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग वर्ड्स एंड नंबर, तो ये जा रखना। वाई प्रोग्रामेबल मशीन वी, हमारा क्या मतलब होता है प्रोग्रामेबल मशीन से? इसका मतलब कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। हाँ ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के बारे में बताना है। तो मेमोरी में आपने प्राइमरी मेमोरी पढ़ा और सेकेंडरी पढ़ा। कीबोर्ड तो नहीं आ सकता, ALU भी नहीं होता, क्योंकि ये मेमोरी में अंदर आते नहीं है। तो आंसर बच गया आपका डिस्क, जा रखना डिस्क इसका आंसर। तो वीडियो का सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइक कर दें जिन्होंने लाइक नहीं किया, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो अपने स्टूडेंट जो भी अपने ग्रुप में व्हाट्सएप पे उनके साथ, ताकि सब सारे बेनिफिट ले सकें। ये जो मल्टीपल है ये सारे एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। यहाँ पे पूछा हुआ था मेमोरी विच इज़ प्रोग्रामड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर। एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर आपने देखा था, ये SBI के अंदर भी आया था, दो बार आया था। तो इस जब मैन्युफैक्चर करते टाइम कौन सी मेमोरी को प्रोग्राम किया जाता है, तो इसमें से बताना है। आप देखो ये डिटेल में दे दिया, रोम यहाँ पे सारे दे दिए हैं। तो इसका जो मोर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि काफ़ी सारे सोचते हैं कि रोम ही होगा, क्योंकि रोम की भी आगे टाइप दी हुई है इसके अंदर,
तो इसका आंसर आपने जल्दी से कमेंट करना है जिनको पता है, इसका आंसर आपका पी रोम, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो इसको प्रोग्राम कर दिया जाता है मैन्युफैक्चर करते टाइम, फिर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होती है, याद रखना है इसके अंदर चेंजेस हो जाती है पी रोम के अंदर। अल्ट्रा वाइल्ड रेस का यूज़ करते हैं इसमें जब हम चेंजेस करते हैं। अ डिजिटल कंप्यूटर कैन परफॉर्म कैलकुलेशन पर सेकेंड, तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा वेरी लार्ज, बड़ी सारी अगर कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट करवा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड विद माइक्रो, ये भी छोड़ दो, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर। हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर माउस, कंप्यूटर माउस किसने इन्वेंट किया था, सबको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए क्योंकि सभी स्टूडेंट माउस का यूज़ करते हैं जो भी मेरे पास प्रैक्टिकली करते हैं। तो अब आप जल्दी से कमेंट करो, सबसे पहला आंसर आया हुआ है सुमित वर्मा ने, बिल्कुल करेक्ट आंसर किया हुआ है डॉगलस एंजलवर्ड, ये आपको एग्ज़ाम में आएगा पक्का, और जो हम बेसिक का एग्ज़ाम लेंगे उसके अंदर भी इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ तो जा रखना। ये मल्टीपल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस मल्टीपल को भी एग्ज़ाम में 2 या 3 बार मैंने देखा हुआ है खुद, और यहाँ पे आपने जा रखना है इसका जो आंसर है, द प्रोग्राम विच आर परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, फर्मवेयर बोलते हैं, जा रखना फर्मवेयर। अच्छा ये जो मल्टीपल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमरी मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम पर सेकेंड, किस आपकी रैम होती है, सॉरी आपकी जो मेमरी होती है रैम, प्राइमरी मेमरी की दो टाइप है रैम एंड रोम, तो रैम की भी आगे दो टाइप है, स्टैटिक रैम डायनामिक रैम, एस रैम डी रैम, स्टैटिक रैम डायनामिक रैम। अब आपको मल्टीपल ये बताना है किस वाली मेमरी को हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, रिफ्रेश हमें उस मेमोरी को करना पड़ता है जो स्लो होती है, मतलब आपको सिंपल बताना है स्टैटिक वाली स्लो होती है रैम या डायनेमिक वाली स्लो होती है, तो बिल्कुल राइट आंसर किया हुआ कोनिका और सुशांत जसरोटिया ने डायनेमिक रैम, क्यों, क्योंकि डायनेमिक रैम क्या होती है, स्लो होती है, सबसे फास्ट कौन सी होती है, आपकी सबसे फास्ट स्टैटिक रैम होती है फास्ट, ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ता है, हम पर्सनल जो पीसी के अंदर यूज़ होती है ज़्यादातर रैम वो कौन सी होती है, डायनेमिक रैम, तो इसको बार बार क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है, जा रखें। ये मल्टीपल मैंने आपको मेमोरी करवाते टाइम ही करवाया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। मेमोरी इज मेड अप ऑफ, मेमोरी किस किसके साथ बनती है, लार्ज नंबर ऑफ सेल के साथ बनती है, मेमोरी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। अब आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, इसमें से कौन सा पावरफुल कंप्यूटर है, अगर हम बात करें मेन फ्रेम मिनी माइक्रो सुपर कंप्यूटर, तो सबसे ज़्यादा स्पीड सबसे ज़्यादा कॉस्ट सबसे ज़्यादा साइज में बड़ा होगा वही उसका आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर किया सुमित वर्मा ने, एंड इसका आंसर है सुपर कंप्यूटर। और बाकी जितने भी सब्सक्राइबर हैं विधि शर्मा और न्यू सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बिल्कुल राइट आंसर किया और डी पार्ट। एंड यहाँ पर बात करते हैं, ये एक मल्टीपल है विच ऑफ द प्रिंटर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल, विच ऑफ द प्रिंटर यूज इन कंजक्शन विद कंप्यूटर यूज इज ड्राइंग पाउडर, जिसको पता है जल्दी से कमेंट कर देना, ड्राइंग पाउडर किसके अंदर यूज होता है, ये आपका होता है लेजर प्रिंटर के अंदर, तो जा रखना है लेजर प्रिंटर। वट इज द पाथ फ्रॉम विच डेटा फ्लो इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज, जो डेटा फ्लो करता है उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, उस पाथ को क्या बोलते हैं, ये आपको पता होगा मैंने पहले भी 2 बार आपको बताया था, उसको हम बोलते हैं बस, बस क्या होती है जो कंप्यूटर के अंदर, बिल्कुल राइट आंसर किया कोनिका सुमित वर्मा, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट राइट आंसर कर रहे हैं, तो बस होती है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है आपकी वायर्स होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड के अंदर छोटी छोटी, तो उसको हम बस बोलते हैं। द टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब रैम, तो रैम बेसिकली तीनों होती हैं, आलफ व बिस का आंसर है, हम पढ़ते हैं स्टैटिक और डायनेमिक रैम लेकिन वी रैम भी होती है, तो जा रखें। एंड फाइनली नेक्स्ट वाले मल्टीपल पे चल रहे हैं, सारे नहीं करने हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल एग्जाम के अंदर आए हुए हैं वो आपको मैं करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे 277 इसको पता है 267 का ये बता सकते हैं, विच इज द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ICL 2900, तो ये आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है
ICL 2900 किसके करीब आ रहा है? अगर इसमें मैं 100 ऐड कर दूँ तो कितना बन जाता है? 3000 बन जाता है। तीन तीन का क्या मतलब? थर्ड। ठीक है, ऐसे दिमाग में रखना है। मैंने आपको पहले बताया था जैसे 360 है, वो भी क्या था? वो भी IBM जो 360 था वो भी आपका थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था। तो इससे दिमाग में रखना, ये थ्री और ये भी थ्री, मतलब आसपास ही आ रहा है थर्ड जनरेशन। जा रखना होता है थोड़ा सा ट्रिक के साथ, ऐसे जा नहीं रहता। हार्ड डिस्क इज कोटेड इन बोथ साइड्स विद। हार्ड डिस्क जो होती है वो आपकी, मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर एक लेयर चढ़ाई होती है, वो किसके साथ कोटेड होती है वो आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट कर दें। मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड, तो बताया था मैंने मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड, और मैग्नेटिक टेप के अंदर भी यही यूज होता है। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ करेक्टर ऑफ विच जनरेशन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम अभी कौन सी जनरेशन चल रही है उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेक्टर के तौर पे भी लेते हैं, तो उसको ही बोलते हैं। वो कौन सी जनरेशन है जल्दी से कमेंट कर, ये मेरे स्टूडेंट सभी बता सकते हैं, सभी बता सकते हैं, इसमें से कोई भी मल्टीपल नहीं छोड़ना है। बिल्कुल राइट आंसर दिया कोनिका, सुमित वर्मा, सुशांत ने, फिफ्थ जनरेशन। अभी कौन सी जनरेशन चल रही है? फिफ्थ जनरेशन, और इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेशन भी बोलते हैं। ये जो मल्टीपल है ये भी आप जा रखें, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर अबाउट एनी पर्टिकुलर टॉपिक आर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डेटा। तो जा रखना है। डेटा क्या होता है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट द डेटा इन टू इंफॉर्मेशन। रॉ फैक्ट्स आर नोन एज डेटा। तो जा रखना, डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स आर नोन एज डेटा। एंड इंफॉर्मेशन क्या होती है? द डेटा विच, जिस डेटा को हम कोई मीनिंग दे देते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन बोलते हैं। मैं बोलूंगा 50, तो 50 क्या हुआ? डेटा हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये नहीं बताया कि 50 स्टूडेंट है, 50 रुपीज़ है, 50 किसी का नंबर है, तो 50 ये नहीं बताया। लेकिन जब मैं बोलता हूँ रुपीज़ 50 है, तो ये क्या बन गई? इंफॉर्मेशन बन गई। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको मीनिंग दे दिया, मैंने बता दिया कि रुपीज़ 50 है, जहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में 50 है, तो ये इंफॉर्मेशन बन गई। मतलब ऐसे कंसेप्ट समझा रहा हूँ, लेकिन डिटेल में वीडियो जरूर देखें, काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड फाइनली, फ्रॉम विच जनरेशन कंप्यूटर प्रिंटर वर यूज्ड? प्रिंटर किस जनरेशन के अंदर यूज हुए थे? तो आपको जल्दी से कमेंट करना है, प्रिंटर किस जनरेशन के अंदर यूज हुए थे? प्रिंटर आपके जल्दी से कमेंट करना है, तो प्रिंटर आपके सेकंड जनरेशन के अंदर यूज हुए थे। असेंबली लैंग्वेज किस जनरेशन, असेंबली लैंग्वेज किस जनरेशन में यूज हुई थी? सेकेंड जनरेशन में। ये सबको पता होगा, असेंबली सेकेंड में हुई थी और मशीन लैंग्वेज आपकी फर्स्ट में हुई थी। जा रखना है, मशीन लैंग्वेज फर्स्ट में और सेकेंड आपकी, मतलब यहाँ पे फर्स्ट मल्टीपल के हिसाब से पूछा जाता है। अभी मशीन जो स्टार्टिंग में फर्स्ट में आई थी, फिर देन उसके बाद असेंबली आई थी, तो ये चीज़ें कुछ आपको जा रखनी पड़ती हैं। एंड यहाँ पे वेन वाज कंपनी नेम्ड IBM? IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बड़ी बार पूछा हुआ है, IBM की फुल फॉर्म जा रखें। और ये जो कंपनी का नाम IBM पड़ा था ये कब पड़ा था ये आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट कर दें जिनको पता है। तो इसका आंसर है आपका 1924। जा रखना है। मॉडर्न कंप्यूटर, जो मॉडर्न कंप्यूटर होते हैं कंपेयर टू अर्लियर कंप्यूटर आर, तो मॉडर्न कंप्यूटर अगर कंपेयर कर दिए जाएँ तो क्या होते हैं? ये बड़े फास्ट होते हैं और स्मॉल होते हैं। जा रखना है, बड़े ज़्यादा फास्ट होते हैं, और क्योंकि जो आपको पता ही है कि अभी जो हम कंप्यूटर चला रहे हैं वो बड़े काफ़ी फास्ट हैं। पहले कंप्यूटर जो हमारे पास होते थे P4 P5 मॉडल, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते थे, एंड अभी स्मॉल भी हो चुके हैं कंप्यूटर। तो बिल्कुल राइट आंसर दिया हुआ है काफ़ी सारे स्टूडेंट। एंड फाइनली, नेक्स्ट वाले मल्टीपल पर चल रहे हैं, तो ये इसमें से ये वाले नहीं करने हैं, ये नहीं करने हैं, ये भी नहीं करने हैं। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है, ये करना है। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनी थिंग विदाउट, ये 3 बार एग्जाम के अंदर देखा हुआ है, 3 बार मैं बड़ी सारी बुक्स पढ़ता हूँ उसके अंदर ये आया था, कंप्यूटर कैन नॉट डू एनी थिंग विदाउट। कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता? अब देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट बड़े सारे कोई मेमोरी लगा देता है, तो यहाँ पे जो इसका मोर करेक्ट आंसर, जो राइट आंसर होगा, हमेशा याद रखना, इसका आंसर होगा प्रोग्राम। जैसे कि राजू शर्मा ने एक दिन कमेंट भी किया था, प्रोग्राम के बिना कंप्यूटर नहीं चलता। जा रखना है, इसका मोर करेक्ट आंसर आपका प्रोग्राम है। बाकी जरूर तो सबकी बढ़ती है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता प्रोग्राम के बिना। तो जा रखना है। एंड फाइनली, नेक्स्ट वाले पे चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्विकली एक्सेसिबल स्टोरेज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है, जा रखना है।
सबसे फास्ट जो मेमोरी होती है वही इसका आंसर है। फास्ट मेमोरी कौन सी होती है कंप्यूटर के अंदर सबसे फास्ट, तो वही इसका आंसर है। जल्दी से कमेंट करना है क्योंकि मैंने आपको एक दिन कंसेप्ट समझाया था आरसीएम का कंसेप्ट। आरसीएम कहता है रजिस्टर, सी कहता है कैशे मेमोरी, एंड एम कहता है मेन मेमोरी में आपका रैम। ठीक है, सॉरी, मेन मेमोरी में आपका रैम भी आ गया, रोम भी आ गया, तो ये रैम आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऊपर की साइड एरो कर रहा हूँ और स्पीड लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि टॉप पे कौन है, रजिस्टर है, दूसरे नंबर पे कैशे मेमोरी होती है स्पीड में। तो बिल्कुल राइट आंसर किया सुमित वर्मा ने, रजिस्टर इसका आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल था ये। ये वाला मल्टीपल अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, ये वाला मल्टीपल कभी नहीं छोड़ना, हमेशा याद रखना। हु इज़ द फाउंडर ऑफ यूएसबी, क्योंकि यूएसबी ने ना काफ़ी सारे पोर्ट को रिप्लेस कर दिया था। हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे पोर्ट होते हैं, लेकिन यूएसबी आने से काफ़ी सारी जो पोर्ट हुए हैं वो आपके रिप्लेस कर दिए हैं। अभी आप देखते हैं कीबोर्ड माउस सभी यूएसबी पे लग रहे हैं, तो हर एक प्रिंटर भी यूएसबी पे लग रहे हैं। तो यूएसबी का बड़ा ज़्यादा रोल होता है टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इसका फाउंडर कौन था ये आपको बताना है। तो बिल्कुल राइट आंसर किया हुआ है न्यू सब्सक्राइबर ने, अजय भट्ट। जा रखना है, अजय भट्ट इसका राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट चल रहे हैं, परमानेंट यूनिट इज नोन एज, परमानेंट यूनिट क्या होते हैं, मेमोरी। व्हाट डू यू कॉल अ सिंगल पॉइंट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन की जब बात होती है ना, जब स्क्रीन की बात हो, याद रखना पिक्सल। क्योंकि एक जो छोटा सा ऐसे बॉक्स होता है ना, जैसे हमारा एक्सेल के अंदर होता था, तो उसको हम सेल बोलते हैं, लेकिन स्क्रीन के अंदर भी छोटे छोटे जो पिक्सल होते हैं उसके साथ हमारी क्या बनती है, स्क्रीन बनती है पूरी, उसका रेजोल्यूशन बनता है। अब ये जा रखना है, मोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू कैरी यूजर फाइल्स। तो जा रखना है 286 का आंसर, जल्दी से खत्म होने वाला है। फ्लॉपी डिस्क, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है, एग्जाम के अंदर बार बार पूछा गया है। हु इज द इन्वेंटर ऑफ जीमेल, ये JKSSB में पूछा था, इन्वेंटर ऑफ जीमेल बताना है आपको। देखिए इन्वेंटर ऑफ जीमेल पूछा हुआ है, जल्दी से कमेंट कर दें। तो इन्वेंटर ऑफ जीमेल कौन है, पॉल, ये जा रखना। और डॉगलस एंजलवर्ड किसका है, माउस। ठीक है, माउस का जो माउस बनाया था वो किसने बनाया था, वो बनाया था डॉगलस एंजलवर्ड। तो यहाँ पे जीमेल का जा रखना ए पार्ट आंसर है, ए पार्ट आंसर। हु इज द इन्वेंटर ऑफ जीमेल। एंड नेक्स्ट वाले मल्टीपल पे जा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी की कौन सी है इसमें से। तो आपको पता है इंटरनल मेमोरी प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, रैम एंड रोम, सी पार्ट इसका आंसर है। अच्छा, विच ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म्ड बाई कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता, कंप्यूटर थिंकिंग नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। जैसी कमांड दे दी जाएगी वैसा काम कर देता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसकी एग्जाम्पल है, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो याद रखना है इसका आंसर है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर इसका आंसर है। और जितने भी बच्चों ने पीडीएफ ली है वो आंसर ठीक कर लें, क्योंकि उस पीडीएफ के अंदर में भी गलती से सी पार्ट डाल दिया गया है, लेकिन इसका आंसर क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो भी बोलता हूँ वीडियो देख लें, काफ़ी हेल्प मिलेगी, एक दो हो जाती है गलती, तो ये आंसर नहीं है, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन वॉज नॉट इन्वेंटेड बाई चार्ल्स बैबेज, चार्ल्स बैबेज का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है हमारे कंप्यूटर की हिस्ट्री में, तो क्योंकि ये फादर ऑफ कंप्यूटर है। इन्होंने क्या बनाया था, एनालिटिक इंजन बनाया था और आपका डिफरेंस इंजन बनाया था। लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है कि नॉट इन्वेंटेड, क्या नहीं इन्वेंट किया था, टैबुलेटिंग मशीन इसका आंसर है। क्योंकि ये वाला एनालिटिक इंजन और डिफरेंस इंजन इन्होंने इन्वेंटर किया हुआ है, इनको इन्वेंटर बोलते हैं इसका, एनालिटिक और डिफरेंस इंजन का, तो टैबुलेटिंग मशीन इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू, ये आपको नहीं करना है, नेक्स्ट वाला चल रहे हैं। ये वाला कर ले, इन ए स्प्रेडशीट, एक्सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है, इन ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम द डैश कंटेन्स रिलेटेड वर्कशीट एंड डॉक्यूमेंट्स।
वर्कशीट एंड डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड आपको बताना है, जल्दी से कमेंट कर दे जिनको पता है। वर्कबुक, ठीक है, स्प्रेडशीट। वर्कबुक क्या होती है? द ग्रुप ऑफ स्प्रेडशीट या वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। तो याद रखना है, तो ये आपकी वर्कबुक होती है, उसके अंदर क्या होती है, वर्कशीट होती है। तो इस चीज को आपने याद रखना है। ये जो मल्टीपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज मोस्ट लाइकली रिलेटेड टू मेन मेमोरी। मेन मेमोरी की जो आपके आसपास है वो आपको बताना है, रिलेटेड है, क्लोज है, तो वो आपको बताना है। तो इसका आंसर है टेम्परेरी, याद रखना है, क्योंकि मेन मेमोरी में आपने देखा रैम भी आता है ना, तो रैम क्या होती है, टेम्परेरी होती है। बिल्कुल राइट आंसर किया न्यू सब्सक्राइबर ने। एंड फाइनली नेक्स्ट वाले मल्टीपल पे जा रहे हैं। आज हमारे काफ़ी सारे मल्टीपल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये वीडियो काफ़ी अच्छा बन रहा है और इसके अंदर बड़े ज़्यादा मल्टीपल मैंने आपको करवा दिए। द वर्ल्ड लेंथ ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, तो वर्ल्ड लेंथ ऑफ ए कंप्यूटर जो मेजर की जाती है वो बिट के अंदर मेजर की जाती है, याद रखना है। अ डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी इज कॉल्ड, ये आपने थोड़े दिन पहले भी पढ़ा था, SBI में पूछा गया था, डायरेक्टरी इन डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी इज कॉल्ड सब डायरेक्टरी, याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है, बार बार बैंक में आया हुआ दो बार। एंड यहाँ पे पूछा हुआ है सिग्नल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैन बी एनालॉग और डिजिटल, एंड ए कंप्यूटर दैट प्रोसेस्ड बोथ टाइप ऑफ सिग्नल। कौन सा कंप्यूटर होता है जो एनालॉग सिग्नल भी करता है प्लस आपका डिजिटल भी करता है? तो जल्दी से आंसर कर दें। तो कोनिका ने बिल्कुल राइट आंसर किया, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर के एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का दोनों का कम्बिनेशन होता है, तो ये याद रखें। हाई लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में आएगा। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, याद रखें। प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज किसको बोला जाता है? सॉरी, यहाँ पे प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है, यहाँ पे और भी मल्टीपल है इसके साथ। प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज भी होती है, बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है, मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है। तो ऑल ऑफ अब इसका आंसर है, डी पार्ट इसका आंसर है। प्रॉब्लम भी होती है ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये भी याद रखें, इस चीज़ को याद रखना, ऑप्शन देख लेना, डी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट वाले मल्टीपल भी चल रहे हैं। हाँ, ये जो मल्टीपल है ये आपको पता होगा जो स्टूडेंट कंप्यूटर यूज करते हैं। व्हाट विच कंपनी इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री? माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो अब देखा जाए कि जो ज़्यादा प्रोडक्शन करती है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, ज़्यादातर उसके ही प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाते हैं, वो कौन सी कंपनी है? तो वो आपको बताना है, जल्दी से कमेंट कर दें। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप देख सकते हैं उसके ऊपर क्या लिखा होगा, इंटेल के, ज़्यादातर बच्चों ने लिए होंगे कंप्यूटर तो इंटेल के होते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर किया सुशांत जसरोटिया ने, सी पार्ट आंसर है। और जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आया था वो कौन सा आया था? वो भी इंटेल वालों ने बनाया था, इंटेल 4004। तो ये इसका आंसर है। द ब्लिंकिंग पॉइंट विच शोज योर पोजिशन इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड ब्लिंकिंग पॉइंट। यहाँ पे ब्लिंकिंग कहा, जब ब्लिंकिंग कहा ना, तो जो कर्सर था उसकी क्या डेफिनेशन थी? द कर्सर इज अ थिन ब्लिंकिंग लाइन। वहां पे दिया होता है कि पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। बड़े सारे बच्चे माउस लगा देते हैं तो गलती करते हैं, जब भी ब्लिंकिंग की बात आ जाती है, द कर्सर इज अ थिन ब्लिंकिंग लाइन, तो याद रखना कर्सर इसका आंसर है। बिल्कुल सही आंसर किया स्टूडेंट ने। एंड ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इंटरनेट RATS स्टैंड्स फॉर। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मैंने पहले भी आपको बताया था दो तीन बार, इसकी फुल फॉर्म है रिग्रेशन एनालिसिस टाइम सीरीज, ए पार्ट आंसर है। हाँ, ये जो विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क, CD की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो याद रखना लेजर टेक्नोलॉजी यूज होती है। ये कुछ मल्टीपल है, इंपॉर्टेंट है इंटरनेट में से। फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग अवेलेबल एट इंटरनेट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको हम, पैच बोलते हैं, याद रखना पैच। एंड फाइनली यहाँ पे द इंटरनेट वॉज ओरिजिनली ए प्रोजेक्ट विच एजेंसी, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना अर्पानेट, जो अर्पानेट है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क।
अरपा नेट, यहाँ पे अरपा भी हुआ है, नेट भी है, नेटवर्क आता है। नेट का क्या मतलब है? नेटवर्क। ये मल्टीपल एग्जाम के अंदर, एसएससी एग्जाम या किसी भी लेवल का एग्जाम होगा ना, उसमें पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि बड़े सारे बच्चों को ईमेल एड्रेस करेक्ट पता नहीं चलता, क्योंकि बड़े सारे इसको चेंज किया होता है बेसिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस, तो करेक्ट फॉर्मेट बताना है। ईमेल, जब ईमेल की बात आ जाए ना, तो हमेशा याद रखना उसमें एट द रेट तो होगा ही होगा, ठीक है। तो पहला जो यहाँ से आपका इलिमिनेट हो जाता है ऑप्शन, ये वाला आपका आ गया, ये वाला, ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि इसमें एट द रेट नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दो में से होगा। अब देखिए, दो बार एट द रेट नहीं होता है, ठीक है, जा रखें, एट द रेट एक बार ही होता है ना। जैसे मैं कहता हूँ प्रदीप शर्मा JK@gmail.com, एट द रेट एक बार ही आया, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, बी पार्ट आंसर है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने राइट किया हुआ है, लेकिन जा रखना SSC के अंदर पूछा हुआ है, ये बड़ी बार पूछा हुआ है, क्योंकि इस प्रकार के मल्टीपल बच्चों को पता नहीं चलते। HTML यूज टू, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज किसके लिए होती है? वेब पेज। एंड ये डब्ल्यू 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 की फुल फॉर्म पूछी हुई है, जिसको 3 बार डब्ल्यू की फुल फॉर्म आती है वही इसका आंसर आराम से दे सकता था, क्योंकि 4 बार पूछ ले तो भी वही बन रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब बन गया, और वर्ल्ड वाइड वेब सिर्फ इसके अंदर ही आ रहा था, तो वो इसका आंसर आराम से दे सकता था। उसके बाद बात करते हैं IP की फुल फॉर्म, सबको पता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जा रखेंगे। और वेबसाइट फ्रंट पेज मेन पेज उसको क्या बोलते हैं? पहले भी करवाया, होम पेज बोलते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या होता है? जिसके अंदर हम, जैसे हम इंटरनेट चला रहे हैं, गूगल के अंदर चला रहे हैं, एक सर्च इंजन है, बिंग के अंदर भी इंटरनेट चलाते हैं, जाहू के अंदर भी इंटरनेट चलाते हैं, लेकिन विंडो के अंदर हम इंटरनेट नहीं चलाते, मतलब विंडो के अंदर इंटरनेट चलाते नहीं, उसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर हम कुछ सर्च नहीं करते बेसिकली। वो इंटरनेट, अगर हमने कुछ इंटरनेट वगैरह चलाना होगा तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बिंग, गूगल, जाहू का, तो विंडो का यूज़ नहीं करते, विंडो के अंदर चलाते हैं, लेकिन वो जा रखना है इसका यूज़ नहीं करते। एंड यहाँ पे कुछ, हाँ, ये जो URL की फुल फॉर्म है, ये पहले भी करवाई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एंड बस इसके बाद ये सारे नहीं करने। HTML की फुल फॉर्म सभी जा रखोगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट था। WWW की फुल फॉर्म सबको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब, तो जा रखना। इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉल्स अंडर, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक ब्राउजर है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा क्रोम है, इंटरनेट ब्राउजर है, इसके बाद हमारा जो सफारी है वो भी इंटरनेट ब्राउजर है, इसके बाद और भी बड़े सारे होते हैं, ओपेरा है वो भी इंटरनेट ब्राउजर है, तो जा रखना है ये एक ब्राउजर होते हैं, इंटरनेट ब्राउजर है। ये हो गया हमारे, एंड नेक्स्ट जो हम चल रहे हैं, हाँ, ये मल्टीपल ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब आपको पता है, हम सर्च करते हैं www. जो भी होता है, एंड वर्ल्ड वाइड वेब उसकी वाज प्रपोज्ड बाय, तो ये आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके, सभी स्टूडेंट को बताना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टिम बर्नर्स ली जा रखेंगे, जिसको नहीं पता था, टिम बर्नर्स ली। एंड उसके बाद कुछ नहीं करना, इतने सारे मल्टीपल है सारे छोड़ रहे हैं, बेसिक वाले बच्चे नहीं कर रहे हैं, देख सकते हैं कितने मल्टीपल छोड़ दिए हैं, तो पूरी PDF पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये TCP की फुल फॉर्म कर लेना, TCP की फुल फॉर्म क्या होती है? TCP की फुल फॉर्म मैंने पहले भी आपको बताई हुई है, जल्दी से कमेंट कर दे जिन स्टूडेंट को पता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जा रखना है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड फाइनली नेक्स्ट वाले पे चल रहे हैं, तो इसमें से कुछ भी नहीं करने, ये सारे मल्टीपल छोड़ रहे हैं, तो सीधा हम चल रहे हैं। व्हाट इज अ ट्रेंड माइक्रो, मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है, व्हाट इज अ ट्रेंड माइक्रो क्या है? ट्रेंड माइक्रो वाला मल्टीपल आपको सभी बच्चों को पेपर में आएगा, इट इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो जा रखना। बाकी फुल फॉर्म क्या याद करनी है उस पर, एक ऊपर कल क्लास होगी फुल फॉर्म के ऊपर, फुल फॉर्म तो सारी करनी पड़ेगी, मल्टीपल आप छोड़ सकते हो, लेकिन फुल फॉर्म कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फुल फॉर्म 2-3 पूछ ली जाती है। व्हाट इज द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस, जो फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस था वो कौन सा था? वो ब्रेन था। ऐसे जो फर्स्ट वायरस था ना, वो कौन सा था? फर्स्ट वायरस था क्रीपर, जा रखना है, फर्स्ट वायरस था क्रीपर, लेकिन जो फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस था वो ब्रेन था। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, हाँ देख लीजिए फिर से पूछ लिया गया, नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था क्रीपर, कब आया था?
1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, ठीक है। तो जा रखना है तो ऐसे दिमाग में रखें, क्रीपर आया था 1971 में। एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस इट इज अ प्रोग्राम कोड, ये प्रोग्राम कोड होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल अब बता रहा हूँ, काफी सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता, इंटरनेट तो चलाते हैं लेकिन पता नहीं है। द फादर ऑफ द इंटरनेट, फादर ऑफ इंटरनेट किसको बोला जाता है? क्योंकि जब आप पेपर की तैयारी कर रहे हो तो उसमें इंटरनेट वाला भी आपका एक जुंट होता है, जा रखें। तो फादर ऑफ इंटरनेट मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल बन जाता है। तो इसका आंसर कोनिका ने बिल्कुल राइट दिया, बिंट सर्फ जी, जा रखना है। एंड बाकी नेक्स्ट वाले ये वाले मल्टीपल नहीं करने हैं। एक ये जा रखें, विच ऑफ द मेमरीज फास्टर, विच ऑफ द मेमरीज फास्टर, इनमें से कौन सी मेमोरी फास्ट है इनमें से? तो बफर, जा रखना है। एंड नेक्स्ट वाले मल्टीपल की बात कर रहे हैं। हाँ, ये मल्टीपल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस, फर्स्ट वेब ईमेल सर्विस कौन सी थी? जल्दी से कमेंट कर दे जिनको पता होगा। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे भी गलती कर देते हैं, तो जा रखना हॉटमेल, क्योंकि वो सोचते हैं कि जीमेल चल रहा है तो जीमेल ही होगा, लेकिन फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस लिखा हुआ है तो हॉटमेल, जा रखना है। मेगा फ्लॉप्स क्या होता है? मेगा फ्लॉप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल है। तो मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड्स, जा रखना है बी पैटर्न। 1 MB कितने बराबर होता है? 1024 KB के बराबर होता है, ये तो पहले बताया था। कलेक्शन ऑफ सेक्टर्स फॉर्म, ये भी आपको एक मेमोरी यूनिट में करवा दिया था, कलेक्शन ऑफ जो आपको बताया था मैंने। तो ये क्या होती है? ये एक डिस्क, हार्ड डिस्क के बारे में बताया था, उसमें बताया था मैंने सेक्टर्स और ट्रैक्स के बारे में, बस इसके बाद और कुछ नहीं करना। पर्सनल कंप्यूटर और डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन से होते हैं जो हम चलाते हैं? माइक्रो कंप्यूटर 80%, आप पता ही, आपके आसपास जो कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर है। इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन एज, इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है वो कैसे स्टोर होती है वो सबको पता होगा। कि जो जैसे डिजिटल इंडिया बार बार बोला जा रहा है, फाइनली आपको पता ही है डिजिटल डेटा के अंदर स्टोर होती है। एंड इसमें से आपके कर्सर, ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल था और मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था। विच जूंट इज नोन एज नर्व सेंटर ऑफ कंप्यूटर, एक तो पूछा जाता है कंप्यूटर जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होगा तो आप बोल देते हो सीपीयू है, लेकिन एक पूछा जाता है कि नर्व सेंटर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? तो नर्व जो ये वाला है, ये मल्टीपल भी आपको बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो दो ही चीजें हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, इसको जा रखना, ALU को, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को हम नर्व सेंटर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। कर्सर क्या होता है? कर्सर एक थिन ब्लिंकिंग लाइन होती है, बस। ऑफलाइन डिवाइस क्या होते हैं? ऐसे डिवाइस जो सीपीयू के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, और डिवाइस विच इज नॉट कनेक्टेड टू सीपीयू। ऑफलाइन का मतलब है कि मान लो कि मैंने अगर स्विच बंद कर दिया मॉनिटर का, तो क्या वो जो सीपीयू होगा वो उसके साथ कनेक्ट होगा? वो नहीं होगा, क्योंकि कनेक्ट थोड़ी है, तब वो बंद हो गया। स्पीकर भी बंद कर दे तो आवाज़ थोड़ी आएगी उसके अंदर। विच इज़ नॉट कंसिस्ट इन अ प्रोसेसर, प्रोसेसर के अंदर क्या नहीं होता? तो आपको पता ही है जो प्रोसेसर है उसमें ये सारे होते हैं, मेमोरी उसके अंदर नहीं होती क्योंकि मेमोरी अलग से होती है। एंड फाइनली नेक्स्ट वाला, हाँ, बेसिक इज, बेसिक क्या है? ए प्रोसीजरल लैंग्वेज है। दिस ये जो जो है, जैसे मैंने बताया था आपको डेजी व्हील प्रिंटर इज ए टाइप ऑफ, तो मैंने बताया था ना डी वाले जो होते हैं वो किसकी टाइप होते हैं? वो इम्पैक्ट प्रिंटर की, क्योंकि दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, एक नॉन इम्पैक्ट एक इम्पैक्ट। तो ये किसकी टाइप है? इम्पैक्ट प्रिंटर की, क्योंकि मैंने बताया था इम्पैक्ट की डी वाले होते हैं, जैसे डेजी व्हील हो गया, ड्रम हो गया, डॉट मैट्रिक्स हो गया, डी डी वाले, सिंपल जा रखो, डी वाला जो स्टार्टिंग में आ रहा है वो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। एंड क्योंकि सारे डी वाले नहीं जा रखना, जा पूरा रख लेना ड्रम, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, ये जा रख लेना। ऐसे नॉन इम्पैक्ट के अंदर बड़े सारे प्रिंटर आते हैं, तो मैं नहीं कह सकता कि यहाँ पे डी वाला स्टार्ट होगा वही होगा, क्योंकि 3D लिखा होगा ना, तो तब भी बच्चे क्या करेंगे, वो कंसेप्ट नहीं देखेंगे कि 3 लिखा हुआ है आगे, डी लिख दिखेंगे और लगा देंगे इम्पैक्ट, और फिर कहेंगे सर हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ध्यान से नहीं सुना, मैंने कहा हुआ है डेजी व्हील, ड्रम और आपका डॉट मैट्रिक्स, यहाँ पे 3D प्रिंटर क्या होता है? ये आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो ये तो 3 से स्टार्ट हो रहा था।
ये जो मल्टीपल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन यूज टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटर टेक्स्ट, इसका आंसर है OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। बाकी चीज मल्टीपल है, एक ये वाला मल्टीपल है जो PDF में गलत हो गया है, तो इसको भी करेक्ट कर ले। कंप्यूटर हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग के हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर है आपका सी पार्ट, क्योंकि थ्री टाइप्स के होते हैं ना, एनालॉग, डिजिटल और आपके जो थे हाइब्रिड।